राम राम। समय प्रिया, मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ग्रो से रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सूबेदार के ऑफिशियल ट्रेलर पे, और इस मूवी को डायरेक्ट किया दीपाल लांजरेकर ने, और इसमें स्टार कास्ट है मृणाल, चिन्मय, अजय। तो सबसे पहले हम ये ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आमच्या लाडक्या कोंडाण्यावरचे मुघलांचे निशान आमच्या डोळ्यात तिखटाप्रमाणे चोळते। पुढच्या एका मासात जर कोंडाणा तुमच्या चरणाशी नाही वाहिला तर नाव शिवभा नाही सांगणार। राजा, मी शपूत देतो तुम्हास, इथल्या मातीचा कणन कण स्वतंत्र ठेवण्यासाठी या मालुसऱ्याच्या अंगातला रक्ताचा शेवटचा थेंब बिघडल। जय भवानी। आमच्या प्रेतांच्या पायऱ्या रचायला लागल्या तरी चालतील, राहू साहेबांचं पाय कोंढाण्याच्या दगडी पायठाणाला लागायला हवं। किला लेने के लिए मराठे किसी भी तादाद में आ सकते हैं। 2000, 3000, 5000। बस सगळे ढिले झाले। मराठे आले मराठे आले नाही तर अशा शिवाचे तो वैराची। अहो, तुमच्या घरी मंगल कार्य का? सौराज्य परीस मोठ मंगल कार्य कंच। कोंढाण्याचं पान म्याच उचलणार। आम्ही मावळ जर का तलवारीच धार धार पात्र असलो तर ती तलवार तोलून धरणारी मूठ म्हणजे तुम्हा आयाबायांची ही ताकद आहे। यहाँ पे पैरा नहीं लगाओगे? आने की कोशिश वही कर सकता है जिसने अपने सर पे कफन बांध रखा हो। राज, आधी लगीन कोंढाण्याच मंगराय बस। मोहिमेत तुमच्या सारखं सोनं कुठवर उधळायचं? आम्ही अहो म्या गेलो तर शेकडो तानाजी भेटल्या। एक शिवाजी राज हवं ना सुभेदार। सो गाइस, ये था सुभेदार का ट्रेलर, और सीरियसली मतलब काफी सारे सीन्स ऐसे थे जिसमें मतलब गूज़बम्प्स आ रहे थे। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मतलब ये पांचवी मूवी है इनके, ये हाँ। जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि 8 मूवीज की ये सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें ये उनकी 5वीं मूवी है। लेकिन एक बात बड़ी कमाल की कि हर एक मूवी में ये एकदम परफेक्ट उस ईरा में ले जाने के लिए एकदम परफेक्ट रहे, और उनकी कास्टिंग तो हमेशा कमाल की रहती है। लेकिन वो ईरा दिखाना कि उस टाइम ये सब हुआ था, उसको जैसा था वैसा प्रेजेंट करना, और ऑडियंस को भी ये लगे कि हाँ हम उस टाइम में पहुंच चुके हैं। ये मतलब इनकी जीत है, जो इनके डायरेक्टर है, जो इनके प्रोड्यूसर है, और जो मतलब कैमरा वर्क कर रहे हैं, जितनी भी टीम है इस पूरी मूवी की, उन सबकी जीत है सीरियसली। कि इस टाइप की मूवीज बनाने के लिए मतलब एक पूरा दिमाग एकदम सही जगह पे होना चाहिए कि हमें इस तरीके से इसको मतलब हाँ। दिखाना है लोगों को कि इनको लगे कि इतिहास दिखाना हाँ। बहुत बड़ा काम है। और इसमें आप कास्टिंग देखिए, मतलब अजय सर की एक्टिंग देखिए आप, इतनी कमाल की एक्टिंग लग रही है। और इसका टीजर देखा था तभी भी हमें ये चीज पता थी कि ये अच्छी मूवी आने वाली, क्योंकि पीछे की 4 मूवीज जो चारों ब्लॉकबस्टर आप मान लीजिए, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो इसमें सॉन्ग्स है, वो जान डाल रहे मूवी के अंदर, जो मतलब इतना अच्छा लग रहा और है। जब जब वो गाना बजता है ना आले हाँ। मराठ, वो लिटरली गूज़बम्प्स देता है सीरियसली। मतलब इस पूरे ट्रेलर के अंदर 2-3 जगह ये गाना बजाए, इसका म्यूजिक बजाए सीरियसली हाँ। वो गूज़बम्प्स देता है। वैसे चिन्मय सर एज छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो अपने रोल को एकदम बखूबी निभाते हैं। और वैसे ये स्टोरी है जो मतलब फोर्ट को विजय करने के लिए, और हाँ तानाजी राम मालूसरे जिनकी
ये पूरी कहानी है जो इसमें हमें बड़े पर्दे पे देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल ट्रेलर मुझे तो काफी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो का ऑरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां तक आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का एंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना, अपना सपोर्ट इस चैनल पे भी बनाए रखना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।